नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अभी जुआनी जंग जारी है। विपक्ष पार्टी के नेता नागरिकता संशोधन को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि आपको पता चले कि ओवंसी द्वारा किए गए छत्ती पर गोली खाएं लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे, यह बयान पलटवार करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि 6 महीने पहले चुनाव हो गया है, मगर अब होगा तो यहाँ पर नॉमिनेशन करने के लिए कागज लेकर पीछे दौड़ना यहाँ पर ओवैसी, और कहा था कि मेरा नॉमिनेशन कर दो, देश को तोड़ना चाहता है ओवैसी जैसे लोग की वजह से ही देश में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध हो रहा है। उन्होंने आज होने वाली बिजरौल गांव के बाबा शहमाल जयंती कार्यक्रम में राष्ट्रपति कार्यक्रम के साथ यहाँ पर कैंसिल होने की बोलते हुए कहा कि डीएम की नहीं इतनी औकात है कि राष्ट्रपति का कार्यक्रम करा दे। राणा जी, आज कार्यक्रम था नगर पालिका में, क्या कार्यक्रम? बाबा सामल और सम्राट सलखपाल का जन्मदिन था, उनके उपलक्ष्य में यहाँ पे नगर पालिका में पहले हवन किया, फिर सभी इलाके के सब गणमान्य लोग बुला के यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया। अच्छा, ओबीसी ने एक बयान दिया है, उसने कहा कि कागज नहीं दिखाएंगे, सीने पर गोली खाएंगे, तो क्या कहेंगे इसमें? अगर ओबीसी को भारत में रहना होगा तो उसे कागज दिखाने पड़ेंगे, और अगर उसे गोली खाने का शौक है पाकिस्तान में चले जाए, हमारी सेना से युद्ध कर गोली भी लगवा देंगे उसके। बाबा शामल जी का जन्मदिन मना, 223वां जन्मदिन, और बहुत दिनों से हम मनाते आ रहे हैं ऐसे उनके जन्मदिन के बारे में। आज हमने एक यज्ञ किया पूरे क्षेत्र का, करीब 250 गांव के आदमी यहाँ पे है, हरियाणा और मथुरा से भी आदमी आए हुए हैं, वो यज्ञ किया और उनके बाद विचार गोष्ठी की फिर उनके जीवन पे, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जैसे उन्होंने पूरे हर बिरादरी को हर संगठन को लेकर देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उसी तरह हमारे देश की जो हमारे भविष्य है जो बच्चे हैं उन्हें हम वही शिक्षा दें, ताकि सब कभी कोई यहाँ आपस में जातिवाद या कोई संघर्ष न हो। मंत्री जी पहुँचे, मंत्री से हमारे जो हरियाणा से आए लोग हैं उन्होंने एक मांग की, जो हमारा यमुना का जमुना सेतु है, शामल सेतु, यमुना पुल जो है शामल सेतु के नाम से, उस पर एक बड़ा गेट बना जा और 1857 के क्रांतिकारियों का इतिहास। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को